वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी, सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया पे। मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं किस तरीके से हमें ये जानकारी मिल सके कि मैं किस लिए बना हूं, मेरा इंटरेस्ट पार्ट क्या है, किस काम को मैं करूंगा तो मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा। आपको शायद यह बात पता हो कि वो काम यदि आप करते हो जो आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपका मन लगता है, तो आप उस काम पे सबसे स्पेशल बन जाओगे। किस तरीके से, चलिए शुरुआत करते हैं। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ। सबसे पहला एक एनालिसिस है कि यदि आप इस एनालिसिस के थ्रू जाओगे, दैट इज सेल्फ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। आप अपने अंदर के चीजों को खोज के बाहर निकालो। टॉपिक वाइज बात करते हैं हम। सबसे पहला हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं का पूरा इस वीडियो में, और आपको एक नया सेमिनार का भी, फ्री सेमिनार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के खत्म होते तक बने रहिएगा मेरे साथ कि किस तरीके से आप ये पहचान सकते हो अपने आप के अंदर को कि आप किस लिए बने हो, आपका नेचर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, किस काम को करोगे तो आप सबसे आगे निकल सकते हो। हु एम आई, उसके बाद है माय इंटरेस्ट, उसी टॉपिक में ही कवर करेंगे हम माय इंटरेस्ट को। नेक्स्ट है माय स्किल, इंटरेस्ट के बाद स्किल जरूरत पड़ता है कि कौन सा स्किल आपको जरूरत है। नेक्स्ट वन इज वर्किंग स्टाइल, काम करने का तरीका हम बात करेंगे। एंड द लास्ट वन इज वैल्यू, उस काम की वैल्यू होगी तभी आपकी सैलरी, आपका इनकम, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। इसी के साथ साथ आगे बात करते हैं तो सेल्फ कॉम्पिटिशन एनालिसिस के बाद एक्सप्लोरेंस, अब उसको एक्सपांड करना है। ये सीरीज कंटिन्यू हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक टॉपिक पे डिटेल पे आपको यहीं पे मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप उस एप्लीकेशन को लिंक डाउनलोड कीजिए, सिविल गुरुजी के एप्लीकेशन को। और ये कोर्स पूरा का पूरा आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है कि आप किस तरीके से अपना कॉम्पिटेंसी एनालिसिस कर सकते हैं। आगे की चीज के बारे में आपको बताता हूं। एक्सप्लोरेंस का मतलब क्या, आप एक्सप्लोर करोगे व्हाट आर द ऑप्शंस। पहले हम ऑप्शन खोजेंगे मार्केट में कि क्या क्या ऑप्शन है और किस ऑप्शन को हमको पकड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने चाचा जी को फोन किया या दोस्त को फोन किया कि यार कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है या किस जॉब में ज्वाइन करूं या कोई जॉब हो तो बताओ, उसने एक जॉब बताया हम जाके वहां फिट हो गए, वो जॉब नहीं करना है। पहले सेल्फ एनालिसिस करना है, पहले सेल्फ एनहांस करना है कि किन किन चीजों से आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। उसी जॉब प्रोफाइल में जाओ, वही बिजनेस स्टार्ट करो जो आपको पसंद है। एंड द नेक्स्ट वन इज जॉब एंड करियर, एंड द लास्ट वन इज इंडस्ट्री दैट फिट माय स्किल। इस पूरे इंडस्ट्री पे आपका स्किल कहां फिट होता है, जहां फिट होगा उस जगह आगे बढ़ोगे, आप ऊंचाई तक पहुंचोगे। पूरे डिटेल में अपन बात करेंगे, पहले मैं कवर कर लूं क्या क्या हम बात करने वाले हैं। द नेक्स्ट वन इज फोकस, फोकस में क्या, व्हाट आई नीड टू डू बिकम कॉम्पिटेटिव, ऐसा क्या क्या मैं करूं। जैसे कि हम बात करें विराट कोहली, धोनी के बाद विराट कोहली को ही क्यों कैप्टनशिप दिया गया, बहुत सारे प्लेयर थे, बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे विराट कोहली से भी, लेकिन विराट कोहली को ही क्यों कैप्टनशिप दिया गया जबकि अच्छे अच्छे बैट्समैन थे, उससे अच्छे बॉलर थे, क्यों। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, उसके अंदर की वो पावर को एनालिसिस करके ही दिया गया उसको कैप्टनशिप। कैसे, हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, आप आश्चर्य में रह जाओगे कि इस तरीके का भी कोई एनालिसिस होता है क्या। पूरे यूनिवर्स में आपको ये एनालिसिस नहीं मिलेगा, बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस ट्रेनर से ये एनालिसिस मैं आपको लाके दे रहा हूं कि जो उन्होंने करवाया है वो आपके साथ डायरेक्ट वही करवाएंगे। व्हाट कैन कनेक्ट मी टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होने के लिए जो भी आप कंपनी चाहते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी पोस्ट पे आप जॉब करना चाहते हो, वहां आप किस तरीके से फिट होगे, वो क्या कनेक्टिविटी है। जैसे कि एप्पल के फोन को सैमसंग के चार्जर से चार्ज करोगे, नहीं होगा। सैमसंग का 80,000 के फोन को एप्पल के चार्जर से चार्ज करोगे, नहीं होगा। लेकिन एक ऑप्शन है तब भी चार्ज करने का, एप्पल का यूनिवर्सल जो सॉकेट है और एप्पल का जो एप चार्जिंग जैक है, उससे आप चार्ज करोगे, नहीं होगा। लेकिन यदि 10-20 रुपए का कनेक्टर मिल गया ना आपको, वो जो कनेक्टर होता है कि एप्पल के एप्पल में वो से चार्ज होगा और यूनिवर्सल को चार्ज कर लेगा, वो यदि 20 रुपए का कनेक्टर मिल गया तो ये काम बहुत ही आसानी संभव है। उसी तरीके से ये कनेक्टर आपको मिलना चाहिए कि उस इंडस्ट्री पे किस तरीके से कनेक्ट कर सके, और यदि वो कनेक्टर आपको मिल गया तो डेफिनेटली आप इस यूनिवर्स में आगे बढ़ जाओगे। एंड द नेक्स्ट वन इज जॉब सर्च,
इस तीनों स्टेप के बाद हम जॉब सर्च करते हैं. पहला कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, एक्सप्लोरेंस, फोकस एंड द लास्ट वन इज जॉब सर्च. इसमें क्या क्या, एप्लीकेशन, रिज्यूमे, रिसर्च, कॉल्स एंड इंटरव्यू. ये स्टेप है कंप्लीट, हम डिटेल में बात करेंगे. द फर्स्ट वन इज सेल्फ कॉम्पिटेंस असेसमेंट. बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दिखाना चाहूंगा कि ये जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से हमारे इंडस्ट्री में फॉलो नहीं किया जाता, या फिर जो हम जो पूरी पूरी दुनिया कहती है एजुकेशन सिस्टम बेकार है, एजुकेशन सिस्टम बेकार है, एजुकेशन सिस्टम बेकार है, लेकिन ऐसा क्यों, क्या कारण है कि आज तक क्या हुआ है हम सबके साथ फ्रॉम चाइल्डहुड, कि हम बात करें नर्सरी, उदय, प्ले स्कूल, वो KG1 KG2 हमने पढ़ाई किया, फिर 12th तक की, फिर इंजीनियरिंग की, और आज लोग मास्टर ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात से अनजान है कि आज तक जो जो चीजें बचपन से लेके आज तक जैसा जैसा हमारे टीचर ने कहा हमने किया, बिना ये सोचे कि किस काम में हम माहिर हैं, हम किस काम पे माहिर हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं. कब सोचेंगे और कैसे सोचेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, और आज ही सोचेंगे, आज ही हम ये बात करेंगे. आपको एक और पिक्चर से रूबरू कराता हूं. ये क्लासरूम है, टीचर बैठा है और यहां पे अलग अलग टाइप के प्राणी हैं, पक्षी है, बंदर है, पेंगुइन है, हाथी है, मछली है, कुत्ता है, भालू है, सांप है. एक क्लासरूम पे अलग अलग टाइप के जानवर है और टीचर कहता है फॉर फेयर एनालिसिस, फॉर फेयर एनालिसिस यू हैव टू क्लाइंब अप इन दिस ट्री. आपको इस ट्री में चढ़ना है एक लिमिटेड टाइम पे, फॉर फेयर सिलेक्शन, फॉर फेयर एजुकेशन सिस्टम. क्या यह संभव है क्या कि ये सारे के सारे एक लिमिटेड टाइम लिमिट पे इस पेड़ में चढ़ सकते हैं, या फिर आप हाथी को 2 साल की ट्रेनिंग दे तो पेड़ में चढ़ना है क्या वो चढ़ सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है. मछली को तो बाहर निकालते ही मर जाएगी. पॉसिबल क्या है? जो वो काम कर सकता है उससे वो करवाओ. पेड़ काटने के बाद हाथी से उसे ट्रांसपोर्ट करवाओ, वो करेगा. पेड़ को पानी में डाल दो, मछली उसमें आसानी से चढ़ सकती है, चढ़ेगा. बंदर का काम है पेड़ में चढ़ना, बंदर से करवाओ. पक्षी का काम है पेड़ में चढ़ना, पक्षी से करवाओ. अब एक कुत्ता थोड़ी चढ़ सकता है पेड़ में. कुत्ते काम है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी करवाओ, देखो वो अच्छा काम करेगा, वो अच्छा सिक्योरिटी इंचार्ज बन सकता है, वो अच्छा सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है. उसी तरीके से हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर भी अलग अलग टाइप का पोटेंशियल है, अलग अलग टाइप का, लेकिन हम उस पोटेंशियल को भी चेक ही नहीं करते कि मैं किस लिए बना हूं. आस्क फ्रॉम योरसेल्फ कि आप किस लिए बने हो. नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना यार कि आप किस लिए बने हो, और यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, नहीं तो यह बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में कवर नहीं होगा, बहुत सारी वीडियोस की सीरीज चलेंगी. सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, और यदि वीडियो पसंद आता हो तो लाइक बटन को दबा के हमारा उत्साह बढ़ाओ ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो और लाते रहे. आगे लेके चलता हूं मैं आपको. क्या है यह सिस्टम? आइडेंटिफाई योरसेल्फ, फॉलो पैशन. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन क्या है यह पैशन? मैं किस पैशन को फॉलो करूं, आप किस पैशन को फॉलो करोगे? कुछ एग्जांपल के रूप में लेते हैं. यदि सचिन तेंदुलकर के पिताजी कहते हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर ले, शिक्षा गर्मी का गवर्नमेंट जॉब निकलेगा, पढ़ाई करके मस्त उसमें लग जाना, करियर सेट है, तो क्या आज हम सचिन तेंदुलकर को जानते? उसी तरीके से लता मंगेशकर की मां कहती है कि बेटी तू 11th 12th में बायो ले और डॉक्टरी कर, डॉक्टरी में बहुत पैसा है, अच्छी कमाई होगी, लाइफ सेट है, तो क्या आज हम लता मंगेशकर के बारे में बात कर रहे थे? और दुनिया का विश्वविख्यात आदमी मिस्टर एलन मस्क, इनके पिताजी कहते हैं कि बेटा जाके पहले एरोनॉटिकल साइंस कर या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर, उसके बाद तो अपनी कंपनी खोलने की बात करना. तो क्या ये संभव था एलन मस्क आज इस मुकाम में पहुंच पाते? बहुत सारे नाम है यार, बहुत सारे नाम है. अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, गवर्नमेंट जॉब, TTE का जॉब छोड़ के इन्होंने क्रिकेट को चूज किया. क्यों? पैशन फॉलो करना था. और एक और इंसान के बारे में आपको बताऊं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, That is Mr. Bhuvan Bam. Bhuvan Bam को यहां इमेज रखने के पीछे एक बार रीजन है, इन्हें म्यूजिशियन बनना. क्यों म्यूजिशियन? क्योंकि एक स्टेटस है, ब्रांड सिंबल है कि आप गाली देने वाले से अच्छा हो कि एक म्यूजिशियन बनो. लेकिन लोगों ने, किसी ने सजेस्ट किया कि यार तुरंत को जो आता है वो कर. इन्होंने नॉनवेज कॉमेडी की एक लेवल क्रिएट किया. नॉनवेज कॉमेडी, प्योर कॉमेडी, वेज कॉमेडी की बात नहीं करो, ऐसा कॉमेडी नहीं कि इसको आप अपने घर वाले बैठ कर देख सकते हो, लेकिन फिर भी भुवन बाम ने नॉनवेज कॉमेडी के साथ BBQ वाइन से अपना नाम फेमस किया. जब तक म्यूजिशियन था तब तक कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से इन्होंने वाइन बनाना स्टार्ट किया तो आज एक मुकाम पे हैं.
उसी तरीके से आपको भी, मैं ये नहीं कर रहा गाली देना चालू कर दो यार कि गए मोहल्ले में गाली देना चालू कर दिए, नहीं। आइडेंटिफाई योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो, डिस्कवर योर सेल्फ, ask from yourself who am I, अपने आप से पूछो कि तुम कौन हो। जब तक ये नहीं पूछोगे, ये पूछने का पैटर्न आपको नहीं मालूम होगा, तब तक आपकी ये जानकारी नहीं मिल सकती। स्पेसिफिक है पूरा का पूरा इंडस्ट्री, किस तरीके से इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहां से आप वो चीज पता कर सकते हो, कि कैसे आप ये पता करोगे कि आप कौन। इसका सबसे पहला रोड मैप का फर्स्ट स्टॉपेज कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। कॉम्पिटेंसी एनालिसिस का पूरा का पूरा एक कोर्स बनाया गया है आप लोगों के लिए कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड हु आर यू, इसका सही जवाब आपको मिल सके। फ्री कोर्स है, सबसे शानदार, तो फ्री में, पैसा ही नहीं लगेगा आपको ये पता करने के लिए कि आप हो कौन। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूं कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस एप्लीकेशन के लिंक पे जाइए और सिविल गुरु जी आप लोगों के लिए आ रहा है फ्री सेमिनार कंप्लीटली फॉर दोज ओनली इंजीनियर्स, कि जो एक चेंज चाहते हैं, जो अपनी पर्सनालिटी एनहांस करना चाहते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं है ये, आप सभी को आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही आए यहां तक जो अपने लाइफ में चेंज चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जिसके लिए वो बने हैं। सबके लिए नहीं, और ना ही हम सबको देंगे, ये लिमिटेड है, लिमिटेड सीट, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऑब्वियस ये बात है लिमिटेड होगा। आपको एक काम करना है, उस कोर्स में आपको गुरुजी कोड यूज करना है। जब वो कोर्स परचेस करने का ऑप्शन आएगा, आप वहां पे गुरुजी का कोड यूज करो, आपको कोर्स पूरा का पूरा फ्री हो जाएगा। स्टार्टिंग के सारे वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसी के साथ एक और न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ उन्हीं टाइप के इंजीनियर्स के लिए मैं फिर से बात कर रहा हूं कि जो अपने अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम पाना चाहते हैं, एक अच्छा स्टेज लाना चाहते हैं, उनके लिए सिविल गुरुजी ने एक और कोर्स लॉन्च किया है जिसका प्री लॉन्चिंग ऑफर आप चला रहे हैं हमारे सिविल गुरुजी। न्यू कोर्स ओनली फॉर दोस प्रोजेक्ट लीडर्स, जो अपने प्रोजेक्ट के लीडर्स हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, जो जनरल मैनेजर्स हैं, उनके लिए। एंटरप्रेन्योर, जो कॉन्ट्रैक्टरशिप में, चाहे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, जिसमें वो अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन एम्प्लॉयर, यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं, यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं या फिर जो आप इंप्लॉई हैं, तो अपने बॉस को बताओ कि ऐसा कोर्स है उनके लिए जो सिविल गुरुजी ने लाया है। एंड दोस इंप्लॉइज जो एज अ टेंडर इंजीनियर, एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर अपना करियर एनहांस करना चाहते हैं, स्पेशल ऑफर फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग सिविल गुरुजी कोर्स लॉन्च कर रहा है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करो। और नीचे डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 9111001234 में कॉल करो। और यदि आप कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता तो घबराइएगा मत, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होती है यार, और सारे काउंसलर सारे कॉल उठा पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये डेफिनेटली आपके पास रिटर्न कॉल आएगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए कीजिए। जब भी आप कॉल करते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं कि सर मेरा कॉल नहीं लग रहा है, कॉल नहीं लग रहा है। कोई घबराने की बात नहीं, आप कॉल कीजिए डिस्क्रिप्शन नंबर पे और मौका छूट ना जाए फ्री ऑफ कोर्स के लिए। और साथ ही साथ ये गुरु जी का जो कोर्स है, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, ये यदि आप ये कोड यूज करते हो, गुरुजी 08 आप कोड यूज करते हो, तो 12,000 का कोर्स आपको 8,000 रुपए में आज के लिए ही है बस। जस्ट ना, तुरंत जाओ टेंडरिंग चेक करो, क्या क्या सीखोगे टेंडरिंग में, आपको एक और भी देता हूं। आप सीखने वाले हो पूरा का पूरा डिटेलिंग टेंडर्स का, कि किस तरीके से टेंडर्स बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट पढ़ने चाहिए, कौन कौन से क्लॉज होते हैं, क्या होता है प्री टेंडरिंग, क्या होता है पोस्ट टेंडरिंग, क्या होता है एनआईटी, क्या होता है बीओक्यू, क्या होता है एग्रीमेंट्स, डिटेल पे जस्ट नीचे दिया गया है। और कौन बनाया इसकी, और आपको एक कुछ कभी सुनाओ, इस कोर्स को बनाया है हमारे एक सबसे शानदार यूट्यूबर, द टेक्निकली मास्टर यूट्यूबर, हम बात कर रहे हैं मिस्टर अमित सोनी जी का। अमित सोनी जी ने इस कोर्स को आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। तुरंत जाइए फैक्चुअल सिविल इंजीनियरिंग, यदि आपने यूट्यूब चैनल देखा हो फैक्चुअल सिविल इंजीनियरिंग का, जाइए उस वीडियो को देखिए और तुरंत नीचे एप्लीकेशन पे जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है उसको फॉलो कीजिए। और हम उस कोर्स में बात करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस कोर्स की मैं बात कर रहा था डिटेल में, कि किस तरीके से आप अपने आप को पहचान सकते हैं। आइए, मैं इंतजार कर रहा हूं उस कोर्स में आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं,
और ये जरूर लिखना कि उस वीडियो को देखने के बाद, उस फ्री कोर्स को देखने के बाद आपको कैसा लगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपका वेट करूंगा कमेंट का। तुरंत आइए और मिलते हैं उसी जोश और सीजन के साथ अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।